नमस्कार दोस्तों, हम हैं 1970 और 1980 की पैदाइश। हमने अपने जीवन में काफी बदलाव देखे हैं, बदलाव ऐसे जो कि आज के लोगों को अभी तक पता भी ना हो। हमने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट भी देखे हैं, हम बैरंग खेतों से लेकर लाइव चैटिंग तक और वर्चुअल मीटिंग जैसी चीजें भी देख चुके हैं। हमने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है और प्लेट में डालकर चाय चुस्की ले लेकर पी है। हम वो लोग हैं जो बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल जैसे गिल्ली डंडा, छुपन छाई, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेल चुके हैं। हम वो लोग भी हैं जो चांदनी रात में लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया करते थे और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवल पढ़ा करते थे। हम वो लोग भी हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही अपना पूरा बचपन गुजार दिया और कई बार तो बगैर बिजली के भी। हम अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम स्याही वाले दवात या पेन से कॉपी किताबों, कपड़ों, हाथ, बस्तों को काला और नीला किया करते थे। हमने टीचर की मार भी खाई है और घर में शिकायत करने पर उससे भी ज्यादा मार खाई है। हम मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर ही नतमस्तक हो जाया करते थे और आज भी समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत करना हमारे खून में है। हम वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल में सफेद कैनवस के जूते पहनकर तपती सड़क पर खड़े होकर अपने पैर भी जलाए हैं। हमने गुड़ वाली चाय भी पी है, हमने सुबह काला या लाल दंत मंजन और कई बार कोलगेट का सफेद टूथ पाउडर भी इस्तेमाल किया है। हम आज भी उस जमाने को याद करते हैं जब चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुना करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा देने के लिए हुआ करता था जिसे फर्राटा बोलते थे और कई बार तो सुबह सूरज निकलने के बाद भी हम सोया करते थे। यही सारी चीजें आज भी हमें याद आती हैं और ये वो चीजें हैं जो कि आजकल बच्चों को उन चीजों के साथ में नहीं मिला पाती जो कि आज भी मोबाइल से खेला करते हैं या फिर मोबाइल पे चैटिंग किया करते हैं। आज भी मुझे वो गुजरा जमाना याद आता है और मैं आशा करता हूं आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से उसे याद कर पाएंगे। धन्यवाद।